खबर पीलीभीत जनपद से, जहां पीलीभीत में आज कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का आयोजन किया जा रहा है। पीलीभीत में जहां धनारा घाट मधुटांडा में गोमती उद्गम स्थल, पीलीभीत में ब्रह्मचारिणी घाट थाना अमरिया क्षेत्र में ड्यूनी डैम तथा कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर चक्रतीर्थ में गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया है। इन सभी मेलों में पीलीभीत का सुप्रसिद्ध कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र का ग्राम कल्याणपुर चक्रतीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा में लगाए जाने वाले गंगा स्नान का मेला प्रमुख रूप से माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं के द्वारा यहां शिव शंकर भोलेनाथ से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इस मेले में पुजारी के द्वारा बताया गया कि 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में श्रद्धालु लोक श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा स्नान मेले में चाट पकौड़ी, जलेबी, पेठा, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, गर्म कपड़े की दुकानें लगी हुई है। मेला में बच्चों और बड़े लोगों के लिए झूले तथा खेल तमाशा भी आए हुए हैं। इस बार चंद्र ग्रहण के चलते गंगा स्नान मेला 2 दिन का होगा। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। आपको बता दें, मेला ठेकेदारों के अलावा मेले की सुरक्षा व्यवस्था कोतवाल जहानाबाद प्रभास चंद ने अपने हाथों में ले रखी है। मेले का आयोजन किया गया है, किस संबंध में ये मेला लगाया जाता है? ये कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के पर्व में बड़ी बड़ी जगह से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ चक्रतीर्थ धाम, यहाँ सरोवर भी है, इसमें लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। ये प्राचीन पौराणिक स्थान है, यहाँ भगवान शंकर का मंदिर भी है और यहाँ दूर दूर तक मानता है इस स्थान की, और दूर दूर से श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और भगवान शंकर सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जाना चाहेंगे कितने श्रद्धालु यहाँ पर मेले में आ जाते हैं? यहाँ लगभग 1.5-2 लाख के करीब में, 2.5 लाख करीब में यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ का पुजारी हूँ और मेरे पूर्वजों से ये काम मैं करता चला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गिरी है और मैं यहाँ का देखभाल करता हूँ, यहाँ पूजा पाठ नहीं करता।